ओम शांति। 21 नवंबर 2018 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न: पतिव्रता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर: पतिव्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते ही अशरीरी बनने का अभ्यास करते ही अव्यभिचारी याद में रहते ही। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। गीत: मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सिकवा प्रेम से उपस्थित हैं, वही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको नालायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नरक का लायक कौन बनाते हैं। वह तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहां के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं। यह दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। कायदा भी है, बाप को ही आकर परिचय देना है, यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहां बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों? तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए, यह भी अकल होना चाहिए। शिवाय नमः भी जरूर है, वही मात पिता ऊंच ते ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए, सबका गॉड फादर तो एक है जरूर। निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अलफ का। यह युक्तियुक्त परिचय कैसे दिया जाए, वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वह भगवान कौन है, पहले अलफ की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया, सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया,
हेवन का रचयिता कौन है? जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा। वह निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन है। फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? गाया जाता है देवताय नमः, वह है शिवाय नमः। मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराए, फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप ही गीता के भगवान है, नंबर वन बात है यह। कृष्ण भगवानुवाच नहीं है, रुद्र भगवानुवाच व सोमनाथ शिव भगवानुवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक ना मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है, परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है, वह बाप है यह बच्चा है, वह हेवनली गॉड फादर है यह हेवनली प्रिंस है। यह बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो, अरे यह एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़े ही मानेंगे। हाँ सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है? उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाप का परिचय दे और यह लिखाओ, बरोबर मैं निश्चय करता हूँ यह हमारा बाप है। पहले पहले समझाना है शिवाय नमः, तुम मात पिता। महिमा भी उस बाप की ही है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है यह तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह हैं। जगदम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं,
ईव को मदर कह देते। राइट वे में ईव कौन है? यह तो कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, हाँ कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में टाइम लगता है, पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है, देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी हैं तुम मात पिता, और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा, भला पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है ना? हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। कृष्ण तो हो ना सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है। वह श्री कृष्ण है हेवन का प्रिंस, और शिवाबा है हेवन का क्रिएटर। वह है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा, रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है। वही राजयोग सिखलाते हैं। वह कोई राजा नहीं है, वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है। उसने ही गवाया है, उसको ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया है। शिवाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि यह हमारा बाप है, बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची। अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में है राजयोग। विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखे, गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाए कि फादर कौन है। वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव, मनमना भव हो रहे पवित्रता व पतिव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते ही जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, ना बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी की दूध के लिए कहते ही सोने का बर्तन चाहिए। इसमें भी पितावृता बर्तन चाहिए। अव्यभिचारी पितावृता बहुत थोड़े हैं। कोई तो बिल्कुल जानते नहीं, जैसे छोटे बच्चे हैं। बैठे भल यहाँ हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो
तो यह भी ऐसे है। सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना, 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पिता को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है। तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता यह है। ज्ञान का सागर यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग हैं। पहली बात यह जब समझाओ तब कपाट खुले, और पढ़ाई है भविष्य के लिए। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, शास्त्रों से या अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते ही सत्युग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी हैं, और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं। वास्तव में जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई जानते नहीं। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा फिर ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। आपे ही पूज्य भी यह बनते हैं। पहले नंबर में पूज्य ही फिर पहले नंबर में पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं। यहाँ कहाँ लिखा हुआ नहीं है? भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। यह समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा देखते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं, इन आंखों से ही देखेंगे। जैसे पितृ श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है यह फलाने हैं, खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएगी। टेम्पररी लोन लेते हैं, यह भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे। वह तो कम पास हुए है ना, महिमा शुरू होती है कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ। इतना माताओं का झुंड संभालना है इसलिए साधारण तन लिया है, जिससे खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडार है, भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है, और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती आती है। यह तो बच्चे ही जाने। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवानु वाचा,
वह सबका रचयिता है, फिर कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते। लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मणों से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है। पहले यह सिद्ध कर बताना है, श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए हैं। कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अव्यभिचारी पिता व्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरा, बाप का युक्तियुक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अलफ को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान, स्व उन्नति का यथारथ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलापन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है। मैं इन इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्चे दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा यथारथ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते, दूसरा तीसरा क्या करता यह नहीं देखते। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। स्लोगन, हदों को सर्व वंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.